व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है, नाम है पब्लिक अकाउंट कमिटी। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज में भी था। न्यूज में किस लिए था? पीएनबी का फ्रॉड आप लोगों ने देखा, नीरव मोदी का केस आप लोगों ने देखा, कितना पैसा हमारी कंट्री का लेकर भाग गई है, तो इसलिए ये काफी न्यूज में था। तो इस कमिटी के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसको पब्लिक अकाउंट कमिटी भी कहते हैं और पैक भी कहते हैं। इतनी पावरफुल कमिटी है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसके हाथ में पावर है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर, इसमें ओनली मेंबर गवर्नमेंट के नहीं है, इसमें अपोजिशन के मेंबर है और जो लीडर है वो भी अपोजिशन का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी शानदार तरीके से टॉपिक को डिस्कस करूंगा ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछा जाए इससे, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके और अपना मेंस का भी आंसर लिख सके अगर पब्लिक अकाउंट कमिटी से कोई मेंस का भी आंसर आता है। पीएनबी में फ्रॉड हुआ अभी आप लोगों को पता है, तो पीएनबी में फ्रॉड की वजह से पैक ने क्या किया है, कॉल किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। उसने बोला है कि एक ब्रीफिंग दो मेरे सामने आके कि कहीं ना कहीं अगर ये जो हमारे द्वारा स्कीम चलाई गई थी, आप लोगों ने देखा काफी ये एक स्कीम चलाई गई थी अभी गोल्ड से रिलेटेड, तो कहीं उस स्कीम का फायदा उठाकर तो नहीं यहां पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने कुछ ऐसा काम किया जो बैंक में फ्रॉड आ गया। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं पीएसी की पावर, आप लोग काफी अच्छे से इसको देख सकते हैं, काफी लार्ज स्केल पर इसकी पावर आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं शिकंजा कसा जाता है इसके द्वारा, इस कमिटी के द्वारा शिकंजा कसा जाता है गवर्नमेंट के ऊपर भी और गवर्नमेंट ऑफिसेज के ऊपर भी कि वो अपना जो खर्चा है वो उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी जो मनी है, जो टैक्स पेयर की मनी है, उसको फ्री में तो नहीं उड़ा रहे हैं। तो वो सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो उसी के ऊपर यहां पर ये बातें हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी को थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट टाइम जब सेटअप की गई थी, 1921 में सेटअप की गई थी। 1921 का मतलब क्या हो गया, हमारी कंट्री जब आजाद भी नहीं हुई थी उससे पहले ये कमिटी सेटअप कर दी गई थी। इसका मतलब अंग्रेज भी इस कमिटी का यूज किया करते थे कि डिपार्टमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट जो हमारी कंट्री में बना रखे हैं सारे, उन्होंने अपना व्यापार चलाने के लिए वो प्रॉपर वे में वर्क तो कर रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस आप लोग यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट भी बन सकता है कि यह कमेटी अभी इंडिपेंडेंट होने के बाद ही बनाई गई। जी बिल्कुल नहीं, ये पुरानी कमेटी है और हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन सकता है कि यह कमेटी जो सेटअप की गई थी, ये किसके द्वारा सेटअप की गई थी, कौन सा वो एक्ट था, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी डिटेल होनी चाहिए। तो हिस्ट्री भी आप लोग थोड़ी साथ साथ में देखते चलते रहिए। यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, 1919 जो एक्ट है इसको मॉन्टिग्यू चांसफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा ड्यूअल पॉलिसी की जो गवर्नमेंट चला करती थी, कई बार आप लोगों ने इसका वर्ड भी अलग से सुना होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में, तो ये वर्ड भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा जो मैं भी बताने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं डायर की द्विशासन, ये भी यहां पर इसी के द्वारा कहीं ना कहीं खत्म किया गया और प्रॉपर वे का आप लोगों को यहां पर एक गवर्नमेंट देखने को मिली। और यही वो था यहां पर जब यहां पर सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियन को अलग से यहां पर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको जानेंगे। और यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसी के द्वारा अप्रूव किया गया था पब्लिक अकाउंट कमिटी को जो एस्टेब्लिश की गई थी आगे चल के फिर। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। कई बार टोटल मेंबर पूछ लिए जाते हैं, मेंबर आप लोगों को पता होना चाहिए 22 मेंबर हो गए। आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे देगा, बोलेगा कमिटी में जो पीएक जो पैक कमिटी है उसमें 22 मेंबर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही होता है, बोल देगा 11 मेंबर लोकसभा से और 11 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। आप लोगों को इस तरीके से बोलेगा, आदमी सोचता है यार दोनों से हो सकते हैं इक्वल, पर ऐसा नहीं है। तो आप लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, 15 मेंबर तो होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लिया 22 मेंबर हो गए टोटल, जो 15 और 7 कितने हो गए 22। तो टोटल ज्यादा मेंबर किससे हैं, लोकसभा से हैं, और कम मेंबर राज्यसभा से हैं। यह भी पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है इनडायरेक्ट वे में मेंबर्स की संख्या ने देकर कि लोकसभा से ज्यादा मेंबर होते हैं राज्यसभा से कम मेंबर होते हैं, या इसको अपोजिट कर सकता है, या फिर संख्या भी अपोजिट कर सकता है, 15 मेंबर राज्यसभा से होते हैं 7 मेंबर लोकसभा से होते हैं। तो आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर रहेगी, तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आसानी से ले जाएंगे। नेक्स्ट बात क्या की जा सकती है, मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं यहां पर, देखिए मेंबर अपॉइंटेड नहीं किए जाते हैं, मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं। इसीलिए इस कमिटी को आप लोग एक इस कमेटी को ऐसे बोलोगे कि बहुत ताकतवर कमेटी है, ठीक है, बहुत पावरफुल कमेटी है, क्योंकि जब इलेक्शन की बात आ जाती है तो फिर आप लोग बोलेंगे इनको एक तरीके से दादागिरी चलने लगती है, ठीक है, कि कोई खर्चा ना कर दे वरना हम उनके पकड़ के उठक बैठक करवाएंगे उनसे। तो उल्टा सीधा कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट एवरी ईयर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कमेटी यहां पर गठित की जाती है, हर साल यहां पर इलेक्शन होते हैं इनके लिए और इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर मेंबर, ठीक है, एवरी ईयर, याद रखिएगा एवरी ईयर, ये नहीं है कि 5 साल के लिए एक बार बना दी और फिर छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है, हर साल। क्वेश्चन यहाँ से भी बन के निकल के आ सकता है।
नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कैसे इलेक्शन होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन या फिर राज्यसभा के इलेक्शन हम लोगों ने देखे थे, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें सिंगल वोट को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब मेंबर रहते हैं तो यहां पर क्या किया जाएगा उनको इलेक्शन एक ही मेंबर को, तो कई कई मेंबर यहां पर क्या करेंगे अपना प्रिफरेंस देंगे कि फर्स्ट प्रिफरेंस इसको दे दिया, सेकंड इसको दे दिया, थर्ड इसको दे दिया। ऐसे नहीं बोलते हैं कि चार आप लोगों के सामने डिश रख दिया खाने की तो आप लोगों से बोला जाएगा कि सबसे स्वादिष्ट आपकी कौन सी है, कि यार पहले तो रसमलाई खाऊंगा, दूसरे नंबर पर रसगुल्ले खाऊंगा, तीसरे नंबर पर गाजर का हलवा। तो इस तरीके से आप लोग भी कई उदाहरण वहां पर ले सकते हैं। तो अपना आप लोग क्या देंगे प्रिफरेंस देंगे, तो सबसे पहले क्या प्रिफरेंस है तो वो सबसे ज्यादा मान्यता होती है, फिर काउंट कर लेते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा प्रिफरेंस दे रखे हैं उसी को यहां पर इलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो कहीं ना कहीं सर पार्टी यहां पर रिप्रेजेंट करेंगी क्योंकि सब पार्टी पार्टिसिपेट करेंगी जब यहां पर इलेक्शन की बात आती है मेंबर को चुनने की। तो आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट की अकेले की यहां पर दादागिरी नहीं चल रही है, यहां पर सब पार्टी का रिप्रेजेंटेशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस कमेटी में इतनी ज्यादा पावर आप लोगों को देखने को मिलती है, यही रीजन है कि यह कमेटी इतनी दादागिरी चलाती है, इवन प्राइम मिनिस्टर तक को समन कर देती है ये कमेटी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी न्यूज में देखा, आप लोग देख सकते हैं यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को यहां पर इन्होंने समन कर दिया, तो काफी ताकतवर कमेटी आप इसको बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर मेंबर की, तो मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेंबर का टर्म 1 ईयर होता है, और ये इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, बोल देंगे मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ये तो आप लोगों ने देख लिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट किए जाते हैं, और यहां पर ये भी देख लिया आप लोगों ने कौन कौन कितने मेंबर है, तो लोकसभा के 15 मेंबर है और राज्यसभा के 7 मेंबर है, टोटल यहां पर 22 मेंबर है, ठीक है। कितने साल के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, ओनली 1 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहां पर बोल देगा कि मिनिस्टर भी इसका मेंबर हो सकता है, मिनिस्टर भी इसका पार्ट हो सकता है, अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो मिनिस्टर बन गया है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर आप लोग देखते हैं किसी दूसरी रैंक के, स्टेट मिनिस्टर की रैंक के होते हैं, तो वो कोई भी मिनिस्टर यहां पर कमिटी का मेंबर नहीं बनेगा, याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। कब कोई भी मेंबर जो होगा कमेटी का वो यहां पर कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा, जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, मिनिस्टर को दूर रखा जाता है क्योंकि मिनिस्टर के टांग खींचने के लिए तो उनको रखा जाता है, मिनिस्टर अगर मिनिस्ट्री में कोई खर्चा उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा उसी को चेक करने के लिए तो उनको रखा जाता है, कोई बैलेंस उल्टा सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रहा उसी के लिए तो उनको रखा जाता है, और वही अगर यहां पर मेंबर बन जाएंगे तो फिर कहां से क्लैरिटी आएगी यहां पर, ये तो वही हो गया ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो अगर वही यहां पर आके बैठ जाएगा जो चोरी कर रहा है तो फिर कैसे यहां पर सही चीजें रह पाएंगी, तो कोई भी मिनिस्टर यहां पर नहीं रखा जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो यहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है वो की जाती है स्पीकर के द्वारा, इसी के मेंबर जो होते हैं वहां से चुना जाता है और उनमें से यहां पर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट स्पीकर के द्वारा की जाएगी। हाँ थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं अपर हैंड यहां पर होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि स्पीकर भी आप लोग देखें गवर्नमेंट के द्वारा ही यहां पर चुना जाता है एक तरीके से, पर लेकिन फिर भी यहां पर दादागिरी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की चलेगी, क्योंकि जो चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा यहां पर, जो चेयरमैन यहां पर अपॉइंट किया जाएगा, सॉरी इलेक्ट तो मेंबर एक बार हो जाएंगे, फिर उन मेंबर्स में से चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है सारे मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट दे देंगे, या फिर बोलेंगे मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं पर चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर चलेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, और आप लोग बोलते हैं पता नहीं कहां से आ गया, कहीं से नहीं बन के आता है, कोई अलादीन का चिराग नहीं खींचता है क्वेश्चन बनाने के लिए, स्टेटमेंट को थोड़ा इधर उधर घुमा देते हैं और उसी में से आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में सेट कर लेंगे ना, फिर कोई भी कैसा भी किधर से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आंख बंद करके बोल देंगे हाँ भैया ये है इसका आंसर। ओके नेक्स्ट बात बोली जा रही है यहां पर, अगर देखेंगे आप लोग 1966 और 1967 तक जो चेयरमैन हुआ करता था वो रूलिंग पार्टी का हुआ करता था, मान लीजिए गवर्नमेंट में आज ए पार्टी है कोई भी तो उसी का चेयरमैन यहां पर रहेगा, पर लेकिन अगर आगे चल के कोई बी पार्टी आ गई तो आप लोग देखने को मिलेगा चेयरमैन भी बी पार्टी का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ठीक खर्चा कर रही है नहीं कर रही है, एक हम लोगों ने पार्टी का चेयर जो यहां पर कमेटी का चेयरमैन है वो भी पार्टी का ही बना रखा है, ठीक है, तो ये सही नहीं था, ये क्या बोला गया इसको अपोजिट कर दो, तो सही ये क्या हो गया 1967 से ही चेयरमैन को अपोजिशन का बना दिया, अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन होने लगा। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलता है कोई भी अगर घपला होता है अकाउंट से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड तो अपोजिशन ये कहती हुई सुनते होंगे आप लोग न्यूज में भी कि यार इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेज दो, इसलिए भेजते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्योंकि गवर्नमेंट की दादागिरी नहीं चलती है वहां पर, ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, वरना कौन अपना गला फंसाएगा, वैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजकर कोई भी रिपोर्ट अगर वहां पे पता हो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट बैठी है और गवर्नमेंट को वो फेवर करेंगे, तो ये भी बात आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वहां पर दादागिरी चलती है कहीं ना कहीं अपोजिशन की आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए कोई भी मैटर अगर आता है तो बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेज दो और वो ढंग से उसको चेक करने वाली है, ठीक है, तो खर्चे के ऊपर कोई भी यहां पर नकेल कसनी होती है जो गवर्नमेंट के ऊपर आप लोगों के सामने यहां पर निकल के आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम।
और पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम आप लोगों को लास्ट में मैंने एक लेक्चर लिया था कैग के बारे में। कैग के बारे में जब मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, आप लोगों को पता होगा वहां पर भी मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम लिया था। जी हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बहुत ज्यादा दादागिरी चलती है इस रिपोर्ट के ऊपर जो कि कैग के द्वारा सबमिट की जाती है। जिस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, जो भी नया मेंबर यहाँ पर जुड़ा है हमारी इस डिस्कशन में, वो सारे लेक्चर्स आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। वीडियो के जस्ट नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, सारे लेक्चर्स का पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं जाके। 140 से ज्यादा लेक्चर वहां पर हो चुके हैं। ओके, अब देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा इसके फंक्शंस, कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई इस तरीके की रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है कैग के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोला जाता है। तो जब रिपोर्ट ये रिप्रेजेंट करता है यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रिपोर्ट कहां पर जाती है। रिपोर्ट जाती है यहां पर किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। ठीक है, पार्लियामेंट के पास में रिपोर्ट जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट लेकर कौन जाता है? ये जाता है प्रेसिडेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं पास्ट में। नेक्स्ट बात की जाती है जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो किसको सबमिट की जाती है? वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लेके जाता है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट में कैग नहीं जाता है लेके, प्रेसिडेंट लेके जाता है। प्रेसिडेंट जो सबमिट करता है वो पार्लियामेंट में सबमिट करता है। कैग किसके सामने जाता है? वो जाता है प्रेसिडेंट के पास में लेके जाकर। तो तीन रिपोर्ट यहां पर आती है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट तीनों रिपोर्ट है। तीनों के नाम याद रख सकते हैं आप लोग। तीनों रिपोर्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पहले है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड है यहां पर फाइनेंस अकाउंट के बारे में। और तीसरी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, यह है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन एक्ट की आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। अप्रोप्रिएशन एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी खर्चा करती है वो कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ करने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अप्रोप्रिएशन यहां पर बिल आता है जो कि बाद में एक्ट बन जाता है। ठीक है, और फाइनेंस क्या होता है? कोई भी टैक्स रिलेटेड अगर मैटर होता है, और पब्लिक अंडरटेकिंग तो आप लोग जानते हैं, पीएसयू वगैरह जो भी दुनियादारी होती है उनकी सबकी जो रिपोर्ट होती है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्या चेक करेगी ये? चेक ये करेगी कि जो भी यहां पर लॉस हो रहा है, जो भी करप्शन हो रहा है, कोई जो मनी है वो यहां पर वेस्ट तो नहीं हो रही है, मतलब ढंग से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसको देखती है कि वो ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब टैक्स पेयर की जो मनी है वो कहीं घपले में तो नहीं जा रही है, टैक्स पेयर की मनी का ढंग से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी तसल्ली करती है यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा इस पर यहां पर फोकस किया जाता है। तो कोई वेस्ट तो नहीं हो रही है मनी, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब अपव्यय तो नहीं हो रहा है, फालतू खर्चा तो कहीं पर नहीं हो रहा है, इनफिशियंट एक्सपेंस तो नहीं हो रहा है, मतलब कम खर्च होना था ज्यादा खर्च कर दिया, कि हाँ अपनी तो मनी नहीं है। वो नहीं कहते कि किसी की शादी में खाना खाने जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या जा रहा है, खाओ खाओ खूब चिक्कर खाओ, अबे खाना तो खा लो जितना खाना है पर पेट तो अपना ही है। तो वो बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट की मनी को क्या बोलते हैं? नॉर्मली कर लो खर्च यार, कौन सी अपनी पॉकेट से जा रही है। और जब ये नहीं पता है कि बदतमीजो अपनी पॉकेट से जा रही है, टैक्स का मना हम ही तो पे करते हैं वहां पर जाकर, तो वो बात लोग भूल जाते हैं नॉर्मली। तो इसलिए यहां पर आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये भी। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। इसीलिए बात की जाती है जब भी किसी रिपोर्ट की बात आती है कि हाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेज दो। अब आप लोग ही समझ में आ रही होंगी बातें कि क्यों पब्लिक अकाउंट कमेटी इतनी ज्यादा पिक्चर में रहती है। इसके अलावा क्या काम करती है? स्टेट के जो भी कॉरपोरेशन आप लोगों को ट्रेडिंग कंसर्न या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट जो केक के द्वारा भी प्रस्तुत की जाती है उसको भी ये यहाँ पर देखरेख करती है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस जो बॉडी होती है उनका आप लोग यहाँ पर एग्जामिन करती हुई जो कि यहाँ का केक के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला जो भी खर्चा यहाँ पर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में तो किस तरीके से किया गया है, लोकसभा के द्वारा किस पर्पज के लिए किया गया है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब हमारा जो पैसा है, हमारी जो मनी है वो कहीं पर भी गलत तरीके से खर्च नहीं होना चाहिए, ये ड्यूटी इंश्योर करती है यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी। और कहीं ना कहीं कैग को भी इसलिए बोला जाता है हमारे पर्स की मनी का रखवाला। ठीक है, आप लोगों को बताया था उस टाइम पर जब कैग में डिस्कस करा था डिटेल में, ये सारी यहां पर तो फिर भी शॉर्ट चीज में बता रखी है। कैग का जब लेक्चर डिस्कस किया था उस टाइम पर आप लोगों से डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहां पर ये काम कर रहा है। ओके, इसी बहाने से क्वेश्चन भी देख लिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इससे, पर एक बार आप लोग लेक्चर ढंग से सुन लेंगे ना सारे क्वेश्चन जो भी यहां पर आप लोगों के सामने आगे भी अगर फ्यूचर में कहीं से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। क्वेश्चन ये पास्ट में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? चेयरमैन ऑफ द पीपीए की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो यहां पर आप लोगों से बोल सकते हैं कि यहां पर इसको चेयरमैन करता है राज्यसभा का, ये भी क्वेश्चन बोल सकता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, स्पीकर रहता है लोकसभा का जो अपॉइंट करता है। पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जो चीफ फंक्शन होता है वो क्या करता है? कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करने का चीफ फंक्शन इसका होता है। बिल्कुल शानदार और सही बात बोली गई है। मेनली कैग की रिपोर्ट और कैग आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा ये बताइए कौन से आर्टिकल में कैग आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूं कितना रिवीजन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो कैग की रिपोर्ट का एग्जामिन करने का काम करता है, यही इसका मेन फंक्शन होता है। और कैग आप लोगों को पता है कैग ने वाट लगा दी थी कांग्रेस की गवर्नमेंट की, एक तरीके से देख सकते हैं विनोद राय उस टाइम पर कैग थे उसी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट आउट ऑफ द पिक्चर हो गई, इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की, कहां कहां घपले हो रहे सारे प्रेजेंट कर दिए जाकर
जनता के सामने, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने, और पब्लिक अकाउंट कमेटी आप लोग जानते हैं फिर क्या करा पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, वो सब पिक्चर दुनिया के सामने आ गई, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी देखे आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू इलेक्टेड द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला है, कोई भी मिनिस्टर यहां पर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? तीनों स्टेटमेंट सही हो गई। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप लोग ढंग से इसको समझकर जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से लेक्चर को एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर से लेक्चर को एक बार थोड़ा रिवाइज कर दीजिएगा, आप लोगों के सारे जो भी दुख दर्द है पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर सारे दूर हो जाएंगे। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पिक्चर में भी रहती है, न्यूज में रहती है, तो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है चीजें तो शेयर भी कर दिया करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और जितना हो सके चीजों का रिवीजन करते रहिए, एग्जाम पास में आ रहा है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।